हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, दिल्ली में बहुत ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी निकल गई है। तो यदि आप नौकरी की तलाश में हैं और पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, किस पद के लिए वैकेंसी निकली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, क्या एज होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप में आपको हर रोज़ डेली करंट अफेयर मिलती है, डेली लाइव टेस्ट मिलते हैं, हर रोज़ आपकी एग्ज़ाम की तैयारी होती रहेगी। तो आप प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली सुपरऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नोटिफिकेशन डाल दिया है साइट पर। तो दोस्तों, नोटिस क्या है तो आप पढ़ सकते हैं ऊपर। 26/6/2018 को नोटिस डला है ये, और इम्पोर्टेंट नोटिस आपको दिखाई दे रहा है। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रो एनी अदर मोड शैल बी समरली रिजेक्टेड। तो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे, किसी और तरीके से फार्म अप्लाई नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम किस चीज़ की वैकेंसी है। तो वैकेंसी आई है ये प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए। एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो 1/2018 है ये पोस्ट का कोड है, और जो इनकी स्टार्टिंग डेट है फार्म 7/2018 से स्टार्ट हो रहे हैं और 30 तक फार्म भरे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, और बी ग्रेड की ये वैकेंसी है, और ग्रेड पे आपका 4200 से लेके, ठीक है, 4200 रहेगा। इसमें यदि अलग अलग कैटेगरी की यदि हम बात करें तो अदर अलग अलग कैटेगरी से इस तरह से वैकेंसी रहने वाली है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अनरिजर्व के लिए 1610, OBC के लिए 1286, ST के लिए 714 वैकेंसी, ST के लिए 756, टोटल वैकेंसी 4366 है। ठीक है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद दोस्तों, आपको बताया गया है कि आप इस साइट से फॉर्म भर सकते हो, dssbonline.nic.in। ठीक है, 30 को लास्ट डेट है इस फार्म के भरने की। उसके बाद में दोस्तों, हम आगे बात करते हैं इसकी डिटेल में कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, डिपार्टमेंट का नाम है MCD। टोटल वैकेंसी आपको दिखाई दे गई 4366 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी या फिर आपकी इंटरमीडिएट या इसके बराबर कोई योग्यता हो तो आप फार्म भर सकते हो। साथ में आपका सेकंड पॉइंट क्या है, 2 का आपके पास टीचर ट्रेनिंग का भी कोर्स होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, आपका 10th लेवल पे हिंदी सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, तो ही आप फार्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, आपका +2 लेवल पे या 10th लेवल पे इंग्लिश सब्जेक्ट पास होना चाहिए, तो ही आप इस फार्म को भरने के योग्य हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड CTET, यानी कि जिस कैंडिडेट ने CTET पास किया है, क्वालिफाई किया हुआ है, वही कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, यदि आगे बात करें हम तो एक्सपीरियंस की, इसमें एक्सपीरियंस कोई डिमांड नहीं की गई है। सैलरी की यदि बात करें तो 35,400 रुपये स्टार्टिंग सैलरी इसमें रहने वाली है। ग्रेड पे की यदि बात करें तो 9300 से लेके 34,800 ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। ग्रुप बी की ये वैकेंसी है। दोस्तों, बात करते हैं एज की। तो एज इन्होंने मांगी है 30 साल। SC ST OBC को आपको इसमें छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे। नोट में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन फार्म भरना है, ये तो आगे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपके। उसके बाद है एग्जामिनेशन फ़ी, तो 100 रुपये फीस आपकी भरने की लगेगी चार्ज। उसके बाद है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, यानी ST कैंडिडेट है, फिजिकल हैंडीकैप है, एक्स सर्विसमैन है या किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, उनकी कोई फीस नहीं है, सिर्फ जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के मेल के लिए फीस रखी गई है। ठीक है, और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो।
उसके बाद बताया गया है आपकी फ़ीस एक बार भरी हुई आपको रिफंड नहीं की जाएगी से। उसके बाद में है मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ आपका वन टायर एग्जामिनेशन स्कीम से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि प्रोसेस क्या है पूरा, आप नोटिफिकेशन में इसको पढ़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसको डालने की। और जो आपका एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है, जर्नल अवेयरनेस है, जर्नल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन, ठीक है। तो आपका ये सिलेबस इसमें रहेगा। और इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई कर सकता है, मेल हो फीमेल हो कोई दिक्कत नहीं है, आप हरियाणा के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, कोई भी हो, आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि हम छूट की बात करें तो एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल की छूट है, ठीक है। और स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे 5 साल की छूट दी गई है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ऐसे पूरा फॉर्म भरना है, तो आप इस लिंक से, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए और आप पूरा अच्छे से इस चीज़ को पढ़ लीजिए कि क्या क्वालिफिकेशन है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया सारा जो भी इसमें रहने वाला है। और 30 तारीख लास्ट डेट है फार्म भरने की, ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे, 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं फार्म, ठीक है। दोस्तों ऐसे ऐसी वीडियो में लेके आता रहता हूँ, यदि आप इंटरेस्टेड हैं ऐसी ही वीडियो में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।